नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वीटो लोशन से सफेद दाग से मिलेगा छुटकारा, स्किन की सभी बीमारियों से दिलाएगा निजात। वीटो लोशन अब आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इंसानियत हुई शर्मसार, ससुराल पक्ष के लोगों पर लगा जहर खिलाने का आरोप। बेशक योगी सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे पेश किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो बदमाशों और दहेज के दानवों को योगी सरकार का जरा भी खौफ नहीं रह गया है। ताजा मामला अलीगढ़ जिला के सिविल लाइन थाने के अंतर्गत का है, जहाँ एक महिला ने अपने ससुराल के लोगों पर जहर देने का आरोप लगाया है। पूरे मामले के अनुसार सलमा नाम की महिला का आरोप है कि अपने पति के साथ ससुराल में रहा करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद से ही सलमा के ससुराल वालों और उसके पति द्वारा मारपीट करना शुरू कर दिया गया और साथ ही सलमा के गर्भवती होने के बाद भी उसे यातनाएं दी गई और उसके पेट में भी लात मारी गई, जिसको सलमा सहन करती रही ताकि रिश्ता न टूटे। लेकिन जब ससुराल के लोगों ने और दहेज की मांग की तो सलमा ने अपने परिजनों को ये बात बताई, जिसके बाद परिजनों द्वारा सलमा को घर बुला लिया गया। इसके बाद इसकी शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन आज जब सलमा अपना जरूरी सामान लेने अपने ससुराल वापस गई तो आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे पकड़कर जहर खिला दिया। जब सलमा मुरझा सी गई तो आरोपी उसे देखकर भाग गए, तो वहीं कुछ लोगों की मदद से सलमा को उपचार केंद्र भिजवाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मेरा नाम है, मैं अपने ससुराल गई कपड़े और फाइल्स लेने के लिए। तो जब मैं गई तो मैंने 2-3 मिनट तक 5 मिनट तक दरवाजा नॉक किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने देखा कि शायद कोई है, फिर मैंने दरवाजा नॉक किया तो ताला लगा हुआ था। वहां से जब मैं लौटी तो टर्न गली में मेरे सास और देव दो और लोग थे, इनको मैं चेहरे से पहचानती। तो उन्होंने मुझे धमकी दी FIR वापस लेने की। मसला काफी टाइम चल ही रहा था, FIR वापस ले वरना तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, और ये है वो। इस टाइप की मुझे धमकी दी और जबरदस्ती मेरा मुंह पकड़कर और मुझे खिला दिया। अब पता नहीं था वो क्या चीज थी क्या नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने खिला दी। वहां से लड़खड़ाती हुई थोड़ी देर बाद निकली वहां से, काफी मतलब वर्ल्ड कप हुई नहीं, मैं नहीं वापस, मैं नहीं गई, सब कुछ बस यही सब हुआ। कैसे क्या हुआ था? सलमा गई थी फाइल लेने और कपड़े लेने अपने, तो लौटते में और उन्होंने पकड़ लिया सास ससुरों ने, तो उसे कुछ जहर खिला दिया। किस बात को लेकर के व्यवहार चल रहा था? दान दहेज के चक्कर में चल रहा था शुरू से, उसे मारते पीटते थे, टॉर्चर करते थे कि तेरे घर को ने पैसा नहीं दिया और ये दे, तेरा बाप रिटायर हुआ है तो हमने कह दी थी 1 लाख रुपए दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, 5 लाख मांग रहे थे इससे। हाँ, तो आपकी बहन के साथ सलमा अपने सामान लेने गई थी ससुराल, और वहाँ से फाइल वगैरह जो भी सामान लेने गई अपने, तो वहाँ से आई तो पता नहीं ससुराल वालों ने पकड़ के क्या खिला दिया। और किस बात को लेकर के विवाद चल रहा था लोगों का? वो मारता पीटता था, दहेज वहेज की मांग करता था हमारा बहनों, सभी लोग टॉर्चर करते थे घर के, सास ससुर नंद वगैरह सभी टॉर्चर करते थे उसे। वो हमें बता देती थी, फिर वो कहा उसके मतलब कह देता मना कर दो घर वालों में, 5 लाख रुपए मांग रहा था, तेरा बाप रिटायर हुआ, 5 लाख रुपए। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? हाँ, महिला थाने में भी की, SSP